बाहानगा ट्रेन दुर्घटना को नहीं अनेक हृदय विदारक कहानी सामना को आसुछि। केउठी पूरा परिवार शेष हो जाइथिया बेले आउ केउठी शिशुर मुंड उपर बापा मां को हाथ उठि जाइछि। अनेक एभळी आहत अछन्ति जेउ मानक अवस्था गुरुतर थिबा बेले आउ किछि जण युवक सुस्थ होइ घर को फेरुछन्ति। एमानक भितरे सामिल अछन्ति 24 वर्षीय विश्वजीत मल्लिक। विश्वजीत मृतदेह थिबा स्थान को जाई मध्य जीवित रहिछन्ति। शुणाक आश्चर्य लगुच्छे जे मृत व्यक्ति भाव शवगृह को जाई जड़े व्यक्ति जीवित हेले केमिति। सूचना अनुजाई विश्वजीत को तांका बापा ट्रेन दुर्घटनार कि समय पूर्व सालिमार स्टेशन ले करमंडल एक्सप्रेस रे बसाई देते सेतबेले तांको जणा नथिला जे आगामी दिन में तांका पुओ एते बड़ दुर्घटनार सामना करने को जाऊँ। किछि घंटा पर जेतेबेले विश्वजीत बापा हेलाराम मल्लिक को दुर्घटना बाबद खबर मिलता सेतबेले से तांको पुओ मोबाइल को फोन लगाइथिले। संजोग बसत विश्वजीत फोन उठाइथिले। आहत होबार कारणरु से अधिक किछि कहि पारिनथिले। से एहा अंदाज लगाइ पारिथिले जे विश्वजीत को गभीर आघात लागिछि। एहा परे विश्वजीत को बापा एक आंबुलांस डकाई तांको संपर्कियंक सह बालेश्वर अभिमुखे बाहरिथिले। दीर्घ 230 किलोमीटर यात्रा करि से बालेश्वर रे पहुँचिथिले। घटनास्थल रे पहुँचिया परे सेमाने विश्वजीत को खोजिबा आरंभ करि देथिले तेबे तांकर कोनोसी खोज खबर मिली पारि नथिला। समय सह समस्तक आशा मौळिबारे लागिथिला। तेबे बापांकर भरोसा थिला जे पुओ नियाति जीवित अछि। घटनास्थल रे तांको पुओ बाबदरे पचरा उचरा करिया परे हेलाराम पहुँचि जाइथिले शवगृह रे। सेठारे मृतक मानंकर शव रखा जाइथिला। प्रथमे सेमानकु भितरकु जिबाकु अनुमति मिलि नथिला। तेबे किछि समय परे जणकर नजर पड़ा जड़े व्यक्ति उपरे जहाँ डाहाण हाथ हलिबारे लगिता। हेलाराम देखिथिले जे एहा विश्वजीत हाथ भली लगुला। तुरंत सेठारु बाहरी करी बालेश्वर मेडिकल को निया जाइथिला। गुरुतर थिबा कारणरु तांकु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर कर दैछि। तेबे तांको बापा तांकु सेठारु निज साथिरे नै जाइछन्ति। जेहेतु तांको पाखरे आंबुलांस उपलब्ध थिला बोंडरे दस्तखत करी सेमाने तांकु सेठारु नै जाइछन्ति। वर्तमान तांको चिकित्सा कोलकातार SKS डाक्तरखाना रे जारी रहिछि। तांको हाथ एवं पादरे आघात कारणरु से गुरुतर रहिछि।